हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल केएस टेक्निकल। आज हम बात करने वाले कि कोई भी दिए गए डेटा सेट को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक दिए गए फॉर्म में ऑटोमेटिक कैसे फिलअप करें। और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को विद इन सेकेंड कैसे निकालें। जैसे कि हमारे पास एक डेटा सीट है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे उनका आईडी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उनकी सैलरी, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जॉब लोकेशन। सपोज हमें किसी पर्टिकुलर आईडी नंबर के डेटा को विद इन सेकेंड में एक फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फॉर्म है जिसमें ये आईडी नंबर है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जॉब लोकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर, सैलरी, ईमेल एड्रेस वगैरह। एक आईडी नंबर डालने से ऑटोमेटिक फिलअप होना चाहिए। ये आईडी नंबर ये डेटा सीट में होना जरूरी है। अगर ये डेटा सीट में नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं भरा जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 1060 लिखा हुआ है, जो कि आईडी नंबर है हमारा, वो सीट डेटा सीट में है। यहाँ पे 1060 डाल देते हैं हम। नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑटोमेटिक यहाँ पे आने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि वीलुकअप है। वीलुकअप का फॉर्मूला डालने के लिए आपको इक्वल टू दबाना है, वीलुकअप। वीलुकअप लिखने के बाद में यहाँ पे लुकअप वैल्यू देनी है, जो कि हमारा एक रेफरेंस नंबर रहेगा, जो कि हमारा आईडी नंबर है। आईडी नंबर हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, ये सेलेक्ट कर लेंगे हम। B3 यहाँ पे सेल का लोकेशन आ गया है। उसके बाद में कॉमा प्रेस करें। कॉमा प्रेस करते ही आपको यहाँ पे टेबल एरे देने का। टेबल एरे का मतलब है आपकी जो डेटा सीट है, जहाँ पे आपका पूरा डेटा पड़ा है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा डेटा सीट ये है, हम डेटा सीट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये पूरा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में F4 की दबाने का आपको। F4 की दबाते ही आपका जो डेटा है, डेटा सीट था, वो लॉक हो चुका है। अगर आपका डेटा सीट फ्यूचर में और बढ़ने वाला है तो यहाँ पे आप जो है और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 1030 कर देता हूँ मैं, नीचे तक चला गया अभी। कॉमा दबाने के बाद में आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो आपका आईडी नंबर, जो यूनिक आईडी रहता है, उसको एक मान करके आगे वाले कॉलम के नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे यूनिक जो आईडी है हमारी है, उसका कॉलम नंबर 1 है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 2, नेम ऑफ एम्प्लॉय का 3, सैलरी 4, मोबाइल नंबर 5, ईमेल एड्रेस 6, जॉब लोकेशन 7। अभी हम लोग नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए ये फॉर्मूला डाल रहे हैं, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए जो कॉलम इंडेक्स है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 दबाने। उसके बाद में वापस कॉमा। फिर आपको यहाँ पे रेंज लुकअप डालने का है, के लिए आपको 0 दबाने का है, एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करते ही यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पर अगर नंबर चेंज कर दो, आईडी नंबर चेंज करोगे, तो यहाँ पे जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1021 लिखता हो तो 1021 पे जो नेम ऑफ एम्प्लॉय होगा डेटा सीट में, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अभी हम उनकी जॉब लोकेशन को लिखेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उनके जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू लुकअप, सेम लुकअप वैल्यू, हमारा जो रेफरेंस नंबर है वही हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे के लिए सेम डेटा सीट कलेक्ट करना है। F4 की
देन प्रेस कॉमा, देन ये हम अब हम जॉब लोकेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो जॉब जॉब लोकेशन के लिए अपना कॉलम इंडेक्स है वो 7 है, प्रेस 7 कॉमा, इस तरह से जॉब लोकेशन भी आ गई। सेम फॉर्मूला डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला कॉपी करके भी डाल सकते हैं आप, इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो हमारे डेटा शीट में 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे आप। उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है, आप यहाँ से शॉर्ट वगैरह डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आ गया। वापस मोबाइल नंबर के लिए सेम, मोबाइल नंबर जो है वो अपना 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है आपको, देन प्रेस एंटर। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ चुके हैं वहां पे। सेम एज इट इज फॉर सैलरी, सैलरी हमारा 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे 4th लिखना आपको, प्रेस एंटर। सेम फॉर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है हमारा 6 नंबर पे है, 6 लिख देना है एंड देन एंटर। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो यहाँ पे आ चुकी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आईडी नंबर डालता हूँ 1010, जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है वहाँ पे 1010 पे वो कृष्णा, उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10/1/21, उनकी सैलरी 59,500, उनके मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं, उनका जॉब लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि पटना, वहाँ पे पटना। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए आपको इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं आ रहा है, तो आपको पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया सेट, प्रिंट एरिया की प्रिंट एरिया सेट हो चुका है फिर भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे विड्थ को 1 पीस में कर देना है। अभी आपका जो है डेटा सीट आ चुका है। इस तरह से आप कोई भी आईडी को चेक कर सकते हैं, 0035 पे भरत